नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। मध्य प्रदेश शासन के गृह जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया प्रवास के दूसरे दिन शासकीय निवास पर पहुंचकर आमजनों की समस्याएं सुनी एवं निवास पर आयोजित कार्यक्रम में हाइड्रोलिक पशु एम्बुलेंस का गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। मंत्री मिश्रा ने मंच से संबोधन में कहा कि आज निःशुल्क पशु सेवा उपचार के लिए फाउंडेशन आचार्य विद्यासागर गौशाला उपचार केंद्र सोनागिर की ओर से हाइड्रोलिक पशु एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई गई है। हमारे जीवन में गौ सेवा का कार्य करना जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक आधुनिक निःशुल्क गौ सेवा एवं उपचार पशु सेवा के लिए 24 घंटे निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। एम्बुलेंस इस वाहन में बीमार एवं घायल पशुओं को उठाकर पशु चिकित्सालय ले जाने में बड़ी राहत मिलेगी। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि हमारी दतिया को गौ पशु सेवा के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है। इस दौरान गृह मंत्री के साथ दतिया कलेक्टर संजय कुमार, अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय दतिया, जिला पंचायत सीईओ कमलेश वारगाव, एसडीएम ऋषि सिंघई, फाउंडेशन सेवा की ओर से भाजपा नेता पारस जैन, अनुपम चौधरी सहित बड़े संख्या में लोग मौजूद रहे। दतिया से खबर हरपल के लिए रजनी लटोरिया की खबर। मैं आज एक इतिहास लिखना चाह रहा है आपके दतिया में। जब हमारे जैन दिगंबर मुनि इस सोनागिरी के पथ पर निकलते थे तो एक भाव आया था के मौसम में जो पशु घायल अवस्था में दिखते थे तो उनके प्रति दया भावना क्या कर सकती है। तो उसी के निर्मित ये मन और भावना आई कि एक ऐसी एम्बुलेंस जो उन मूक पशुओं को गोवंश को उठाकर ले जाए और सोनागिर उपचार केंद्र जो बनाया है दया भावना फाउंडेशन में वहाँ उनका उपचार करे। और उपचार करने के बाद तो निश्चित रूप से ये पहली अपने क्षेत्र की तो पहली मानो लेकिन आधुनिकता के रूप में अगर आप बात करो तो ये मध्य प्रदेश की पहली ऐसी गाड़ी होगी जो 100% हाइड्रोलिक और फुली इक्विप्ड है। इसमें डॉक्टरों की टीम भी रहेगी और इसमें जो चालक लोग रहेंगे। और ये आपको क्यों मिली है ये भी मैं आपको बताऊं, बड़े सौभाग्यशाली है। दादागिरी के कारण से मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। गौशाला महाराज जी के महाराज जी से प्रार्थना एक जरूर करना, हमारे दतिया की एक गौशाला कोई ले ले, कोई ले ले। सबसे बड़ी ले रहे नहीं, शहर में भी जो मवेशी हमारे घूमता है पूरा वहीं पर जा रहा है, शहर से लगी हुई है। हाँ तो ये ले लो तो हमारे यहाँ की गायों को और फिर हम बाकी जो गौशाला बनी है उनको भी। हमारे पूर्वज जो है ना संस्कृति की पूजा ऐसे ही नहीं करते थे, प्रकृति की पूजा ऐसे ही नहीं करते थे। हर चीज के पीछे विज्ञान छुपा होता था। हमारे यहाँ पीपल पूजा जाता है, बड़ पूजा जाता है, हर घर के आंगन में तुलसी लगाई जाती है, उसके पीछे कारण है, लॉजिक है हर एक के पीछे। ये तीनों पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिले तो पॉजिटिविटी रहती है, सकारात्मकता रहती है। ऑक्सीजन की कीमत क्या है अभी आपने कोरोना काल में देखी होगी। एक आदमी का दुर्गुण ये है ना कि उसे अगर कोई चीज मुफ्त में मिले तो उपयोगिता नहीं समझता। पेड़ काटता चला गया, आप समझ में आया होगा ऑक्सीजन क्या होती है। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इनमें चले जाओ, अब लोग मुंह पे ऑक्सीजन के लिए लगा के कार्बन ना चला जाए मास्क आने लगे, अलग प्रकार के जो आपको उसको रोकते हैं। पर हमें उपयोगिता इसलिए नहीं है अभी क्योंकि हम पे अभी उस चीज की अधिकता है। कभी दतिया में पानी की बहुत सारी अधिकता थी, चारों तरफ तालाब थे, दिन भर पानी बहता था, हमने उपयोगिता नहीं समझी। जब मैं आया था 13 साल पहले तो पानी बिछता था, यहाँ घर के दरवाजे पे पीली कट्टी रखी रहती थी, लोग साइकिलों से ले लेके जाते थे, उपयोगिता नहीं समझी। हमारी जो पूर्वज थे उनने समझी। कोरोना काल ने वो कई चीजें याद दिलाई कि घर के बाहर दरवाजे क्यों उतारे जाते थे, हम हाथ नहीं मिलाए नमस्ते, हमारे यहाँ पूरी हमारी संस्कृति में प्रणाम है, दूर से प्रणाम करना क्यों था। अभी कोरोना में लोगों को समझ में आया होगा।